जी आपका नाम? जी रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बताइए रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? जी वो मेरा ना सर में दर्द हो रहता है, बहुत सालों से दर्द हो रहा है जी। जी तो इलाज बहुत कराया पर भी मान के चलिए रोज ही चली राम खाता हूँ, दिन में दो खा जाता हूँ, ठीक ही नहीं होता है जी। बीपी की समस्या तो नहीं है? हाँ जी बीपी तो नहीं है जी, जी। बीपी भी चेक कराया था, सब लोग कह रहे थे कि बीपी होगा बीपी तो नॉर्मल है जी, तो अब आप देखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए और अभी के अभी आपको सिर के दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। अपना लेफ्ट थंब लेंगे, अरे सर अभी आप अभी के अभी देखिए, आप लेफ्ट थंब है आपका, तो इस लेफ्ट थंब को नाखून के पास से पकड़कर इस तरह ट्विस्ट करना शुरू करिए अभी के अभी। ये जैसे ये नाखून है, नाखून के पास से ट्विस्ट करना शुरू करिए, इसको चारों तरफ अंगूठे के चारों तरफ हल्का हल्का प्रेशर देते जाइए, हल्का हल्का प्रेशर देते जाइए। 2 से 3 मिनट आप इसको प्रेशर देंगे तो आपको सिर में हल्कापन आता नजर आएगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रॉब्लम 2 सालों से एग्जिस्ट कर रही है तो एक ही दिन में परमानेंट ठीक नहीं होगी, कुछ दिन तक आप रेगुलरली इसका ट्रीटमेंट करते जाइए और सिर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर इफेक्टिव और करना चाहते हैं इस ट्रीटमेंट को, तो ये लेफ्ट कलाई है, इसमें जहाँ ये जोड़ है जिधर से ये जुड़ी हुई है, इस पर क्रीम या ऑयल लगा के इसकी पूरे मसाज करना शुरू करिए। रोज अपने लेफ्ट थंब को ट्विस्ट करें, इसको प्रेस करें और लेफ्ट कलाई की मसाज करेंगे तो ये ऊपर का जो पूरा जोन है ये लाइटर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिर की दर्द की प्रॉब्लम 2 साल से बने रहना भी ठीक नहीं होता। जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो ईश्वर की कृपा से ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी।